का है, हर तीसरा मकान बहुजनों का है, हर तीसरा आदमी यहाँ बहुजन है। बहुजन जातियों में बटा है, गुटों में बटा है, संगठनों में बटा है, इसलिए मार खा रहा है। और जिस दिन बहुजन साथ साथ खड़ा हो जाएगा, हम डंडा लेकर इनको भगा देंगे भारत से। क्या बात कर रहे हैं आप? हम धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, हम घर वापसी करा रहे हैं। और जो घर वापसी करने के लिए तैयार है वो हमारे साथ आ जाए। इसका वक्त होता है, उनका उठने का वक्त चला गया, अब गिरने का वक्त आएगा और आगे चल के बहुजनों की सरकार बनेगी और देश में शोषित यहाँ का हुक्मरान बनेगा। ये राजनीतिक पार्टी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी पार्टियाँ बहुजनों की हैं सब हमारी पार्टियाँ हैं। जो अच्छा नेतृत्व करेगा, जो बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलेगा, पूरा समाज उसका साथ देगा और वो देश का देश का। बंते जी, काफी तादाद में इतनी गर्मी में लोग पहुंचे, कितनी उम्मीद थी? उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं, गिना तो हमने नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि लगभग 40-50 हजार लोग रहे होंगे कार्यक्रम में, ये मुझे उम्मीद है। 50 हजार लोगों का धर्मांतरण बाबा की नाक के नीचे, डर नहीं लगता बुलडोजर से? देखिए, जब तक भारत में संविधान लागू है, लोकतंत्र भारत है, तो भंते सुमित्रतन किसी से डरने वाला नहीं है। और हमें डर लगेगा तो ये वकील साहब क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके? ये संविधान सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचने नहीं देंगे, रोड पे काम खत्म हो जाएगा ना? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ये देश बहुजनों का है, हर तीसरा मकान बहुजनों का है, हर तीसरा आदमी यहाँ बहुजन है। बहुजन जातियों में बटा है, गुटों में बटा है, संगठनों में बटा है, इसलिए मार खा रहा है। और जिस दिन बहुजन साथ साथ खड़ा हो जाएगा, हम डंडा लेकर इनको भगा देंगे भारत से। क्या बात कर रहे हैं आप? बंते जी, आरोप लग रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, हम घर वापसी करा रहे हैं। और जो घर वापसी करने के लिए तैयार है वो हमारे साथ आ जाए। आपको नहीं लगता आप मोदी जी के और योगी जी के हिंदू राष्ट्र के बीच में रोड़ा पैदा कर रहे हैं? मोदी जी योगी जी उनका एक भक्त है। भगवान बुद्ध ने कहा, अनिच्छा बत संखारा उपाधव्य धम्मिनो उपजित्वा निरुजंती तेसंग भूप समो सुखो। हर चीज़ का वक्त होता है, उनका उठने का वक्त चला गया, अब गिरने का वक्त आएगा और आगे चल के बहुजनों की सरकार बनेगी और देश में शोषित यहाँ का हुक्मरान बनेगा। नहीं, शोषित हुक्मरान बनेगा आप कह रहे हो, लेकिन अभी तो एकाकी नहीं है। 85% जिस बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं, वही हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। वही हम काम कर रहे हैं, जो टुकड़े कर रहे हैं वो दूसरे लोग हैं, हम टुकड़ों को इकट्ठा करके एक समाज बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। क्या निकट भविष्य में बनते थे सुमित्रतन जी कोई राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी पार्टियां बहुजनों की हैं सब हमारी पार्टियां हैं। जो अच्छा नेतृत्व करेगा, जो बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलेगा, पूरा समाज उसका साथ देगा और वो देश पर देश का शासक बनेगा। वकील साहब, आपसे सवाल, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, क्या वर्तमान में आपको लग रहा है कि भावी संविधान जिंदा है थोड़ा बहुत, या सब काम खत्म हो लिया? संविधान जिंदा है और जिंदा रहेगा, और मनुस्मृति कभी लागू नहीं होगी। मनुस्मृति लागू नहीं होगी तो मनुवाद भी खत्म होगा, अम्बेडकरवाद ही रहेगा देश में, और कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार से घर वापसी का नाम दे करके या बौद्ध की दीक्षा दे करके और लोगों को जगह जगह इकट्ठा करके अभी आपने घोषणा कर दी कि अब दिल्ली में लाखों लोग करेंगे, बनारस में करेंगे, चाहते क्या हो आप लोग? भारत का संविधान लागू करना चाहते हैं। भारत का संविधान पूरी आज़ादी देता है, कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। तो भारत का संविधान लागू कर रहे हैं, वो हमारा फ़र्ज़ है, हर एक वकील का फ़र्ज़ है, हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है कि भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो, इसीलिए सभी को आज़ादी है। मैं ये समझता हूँ ये कार्यक्रम तो और ज़्यादा होंगे, और ये इस वजह से हो रहे हैं कि लोगों को सच्चाई नज़र आ रही है, बुद्ध धर्म की ताकत नज़र आ रही है। एक बार फिर लोग जा रहे हैं, जो बहका लिए गए थे वो वापस जा रहे हैं, इसमें किसी को क्यों परेशानी है? पहल साहब, जिस तरीके से घर वापसी की बात कर रहे हैं तो उन पर आज में FIR हो रही है, गाजियाबाद में FIR हुई। एक बात ध्यान से सुन ले, वो सब जो मनुवादी मानसिकता के हैं, भारत के संविधान के खिलाफ जाके कोई प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, अगर इतनी सी भी कार्रवाई करेगा तो उसको जेल में भिजवाने का काम हम अम्बेडकरवादी वकील करेंगे। ये जो झूठी FIR कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी और सरकारी अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके, वो सेफ नहीं है, वो अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये हमारी बात करें। वकील साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग और वरिष्ठ लॉयर हैं, उसके बावजूद भी नए पार्लियामेंट के अंदर संगोल रख दिया गया और आप कह रहे हैं संविधान को कुछ छेड़ेगा नहीं? रख दिया गया ना, तो जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे, हम बता रहे हैं ना, हम भी तो हमारी बात भी सुनिए। टाइम लगता है संविधान के रास्ते पे, थोड़ा लंबा टाइम होता है। पीसफुल रास्ता और संविधान का रास्ता, बाबा साहब का रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन होता वही है जो संविधान कहेगा। ये सब लोग जो आज संविधान तोड़ के ये सब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो जेलों में आपको मिलेंगे, लंबे समय के लिए जेलों में मिलेंगे, ऐसा हम वादा कर रहे हैं आपसे। बंते सुमित्रन जी, मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से RSS के साथ में 40,000 से ज्यादा संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, क्या आपके पीछे भी कोई ऐसी शक्ति लगी हुई है जो आप बार बार निरंतर जो है नई नई जगह पे जो है धर्मांतरण करा रहे हैं?
देखिए हम घर वापसी करा रहे हैं और बुद्ध साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा के जितने संगठन हैं, जितने हमारी समान विचारधारा के संगठन हैं, उनमें हम कोई भेद नहीं करते हैं। कभी हम किसी से पूछते ही नहीं कि आपका संगठन कौन सा है, बस वो अंबेडकरवादी होना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए, विज्ञानवादी और तर्कवादी होना चाहिए। हम लोग मिलकर के भारत के हित में, विरासत के हित में, संस्कृति के हित में और यहाँ के जनमानस के हित में निर्णय लेते हैं और मिलकर के काम करते हैं और हम सफल हो रहे हैं। जी एक तरफ तो जो दूसरी ताकतें वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी हैं, आप इसको बुद्ध में भारत करने के लिए लगे हो, तो ये आपको नहीं लग रहा टकराव की स्थिति पैदा हो रही है भारत में? तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं उनको हमने लेटर लिखा है, पहले नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना के कौन सा आपने अमेरिका बना लिया? अब हमारे भारत पर नज़र हटाओ और अपनी जो गलत सोच है, जो गलत मानसिकता है, जो छुआछूत जातिवाद और ऊंच नीच से भरी पड़ी है, लेकर के कहीं दूसरी जगह जाओ, मेरे भारत को मत छेड़ो। आपने हिंदू राष्ट्र नेपाल को बना करके क्या नेपाल की तरक्की कर दी? आज नेपाल लगभग 100 देशों से भी पीछे चल रहा है, नेपाल था ना हिंदू राष्ट्र। भीमराव जी आपसे एक सवाल है, आप महाराष्ट्र से चल करके आए, बाबा साहब का ब्लड है, आपको नहीं लगता कि आपको महाराष्ट्र में काम करने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरी जो संस्था है जो बाबा साहब ने निकाली हुई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो पूरे देश भर में काम कर रही है। हम महाराष्ट्र में सीमित नहीं है, हम साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस उत्तर प्रदेश में भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। नहीं आप कह रहे हैं कि बढ़िया काम करें, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, जो महाराष्ट्र में फूले अम्बेडकरी विचारधारा की जो राजनीति है वो कई टुकड़ों में बैठ गई और बहुत बैकफुट पर चली गई है। मैं ये नहीं मानता भाई, राजनीति में जितनी सफलता मिल गई उतना समाज आगे आ गया। मैं इस पर निर्भर करता हूँ भाई, समाज में शिक्षा के प्रमाण कितने हैं। मैं इस पर निर्भर करता हूँ भाई, हमारे अधिकारी कितने हैं, आईएएस अधिकारी कितने हैं। दो चार आमदार चुन के आने से कोई राजनीति और कोई समाज आगे नहीं जाता, ये प्रमाण जो है वो गलत है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। निजी निजी निजी, अरे एक सेकंड यार, संगठन बनाए थे वो अधिकतर सारे संगठन टूट गए हैं और संगठन टूटे ही नहीं, काफी हजार तादाद के अंदर उनका दूसरे संगठनों में विलय हो चुका है। बाबा साहब ने जो जो संगठन है वो मैं चला रहा हूँ, बुद्धि सोसाइटी चला रहा हूँ, समता सैनिक दल चला रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम मैं चला रहा हूँ। धड़े हो गए आरपीआई के भी, मतलब छुट्टी धड़े हो गए। बुद्धि सोसाइटी के तीन ग्रुप थे, हम लोग तीनों भाई इकट्ठा। अभी आप ही के परिवार में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, राजरत्न अम्बेडकर जी कहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर आप कहते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसे माने है? समाज को तो आप ही, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, अभी तो आप ही संगठित नहीं है। अध्यक्ष मानेगा तो उसको तुम्हारा सवाल पूछने का भाई, कायदे से ये अध्यक्ष है तो कोर्ट का कॉपी दिखा दो, ये आपके पास उपलब्धियाँ है भाई, वो मांग लो। धन्यवाद जी। यहाँ के अगले पड़ाव को देखा जाए, जो आपने घोषणा की है, कितने लोगों को फिर धर्मांतरण कराएंगे बंदे जी? अगला कार्यक्रम हमारा बन रहा है। हाँ।